नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय पढ़ रही हैं। बच्चों आओ सीखें, भाग प्रथम आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है और आज जो पाठ आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं यह आपके आओ सीखें भाग प्रथम का अंतिम पाठ है। बच्चों यह पाठ 7वें नंबर का है, इसका नाम है बालक का स्वप्न। बच्चों यह एक कहानी है, कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है और आज की जो कहानी है वह तो आपको और भी अधिक पसंद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारी कहानी में एक बालक है जो क्या करता है, सपने देखता है। बच्चों आप सभी छोटे छोटे बच्चे हो, आप सभी जब सोते हैं तब आपको सपने आते होंगे। कुछ सपने बहुत अच्छे होते होंगे तो कुछ सपने डरावने भी होते होंगे और कुछ सपने तो आपको बहुत अजीब से लगते होंगे। तो बच्चों आज की जो कहानी है वह हमारे एक छोटे से बालक के सपने पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी बालक का स्वप्न। बालक का स्वप्न हमारे पाठ का नाम है, कहानी का नाम है। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा। स्वप्न, स्वप्न का अर्थ है सपना। अहो मेरा भाग्य! सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। बच्चों हमारी कहानी में एक बालक है जो क्या करता है, एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता है। एक दिन जब वह सो रहा होता है तब वह नींद में से जागकर अचानक से चिल्लाने लगता है, अहो मेरा भाग्य। तो सेठ पूछते, भाई क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रहा था? लेकिन वह लड़का सेठ को कुछ नहीं बताता है। फिर देखिए, अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। जब दूसरा दिन हुआ तब सेठ ने पूछा कि भाई तू रात को क्यों चिल्ला रहा था, ऐसा क्या हुआ जो तू रात को चिल्ला रहा था? लेकिन उस लड़के ने उस बात को वापस ही टाल दिया, यानी नहीं बताया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। बच्चों ध्यान दीजिए कि जिस दिन से बालक को सपना आया उसके बाद वह बालक क्या कर रहा है, वह बालक छिपकर पढ़ने लग गया है। बढ़ते हैं आगे। एक दिन सेठ ने कहा, क्या कहा? सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। सेठ को भी बड़ी चिंता सी हो रही थी कि ऐसा क्या देख लिया बालक ने कि वह नींद में चिल्ला रहा था। तो सेठ कहता है कि या तो तू मुझे सपने वाली बात बता दे, अगर वह बात नहीं बताता है तो तू मेरे यहाँ नौकरी करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, चतुर यानी कुशल और होशियार, होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दी। लड़का बहुत ही होशियार था, उसने क्या किया, उसने सपना बताने की बजाय नौकरी छोड़ देना ठीक समझा और अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी। बच्चों ध्यान दीजिए, उसने क्या काम चालू रखा, पढ़ाई करना चालू रखा। इस बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। लड़का पहले सेठ के यहाँ काम कर रहा था, जब उसने वहाँ नौकरी छोड़ी तब उसे जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया, उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। फिर बच्चों क्या होने वाला है, चलते हैं आगे। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। सेठ ने क्या किया, सेठ ने उस लड़के के स्वप्न वाली बात बता दी और बता दिया कि इसने मुझे कोई बात नहीं बताई, इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। बच्चों जमींदार ने भी वही बात कही कि बालक या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, नहीं तो मैं तुझे मेरे यहाँ से हटा दूंगा। देखते हैं आगे। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। बच्चों वह लड़का कैसा था, धुन का पक्का, यानी उसने जैसा सोच लिया वह वैसा ही करके मानता था। दृढ़ निश्चय था यानी उसने जो सोचा उस पर वह दृढ़ रहने वाला था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसने जो सोचा है वह उसे पूरा करेगा।
उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। बच्चों, वह लड़का बहुत ही दृढ़ निश्चयी था, तो उसने क्या किया, नौकरी छोड़ देना ठीक समझा और नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही उसने पढ़ाई करना चालू रखा। आगे बढ़ते हैं। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। बच्चों, वह लड़का बहुत चतुर तो था ही, तो उसने क्या किया, अपनी चतुराई दिखाकर वह राजा के यहाँ नौकरी पर लग गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। और वह इतना कुशल था, इतना होनहार था, होशियार था कि उसने धीरे धीरे तरक्की की और एक दिन राजा का मंत्री बन गया। देखिए, अकस्मात, अकस्मात का अर्थ है अचानक। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। कौन सा वाला जमींदार, जिसके यहाँ वह लड़का नौकरी किया करता था। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। बच्चों, उसने राजा से कौन सी बात कह सुनाई, उसने राजा से वही बात कह सुनाई कि इस लड़के ने कोई स्वप्न देखा था लेकिन इसने बताया नहीं, इसलिए इसे सेठ ने भी नौकरी से निकाल दिया और मैंने भी नौकरी से निकाल दिया। बच्चों, देखते हैं आगे क्या होगा। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा। क्या पूछा, देखिए, मंत्री जी, आपने बहुत दिनों पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था, आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। दंड, दंड यानी सजा के लिए। तो राजा ने क्या कहा, भाई मंत्री जी, या तो आप हमें सपने की बात बता दीजिए, अगर आप हमें अपने सपने की बात नहीं बताते हैं तो दंड के लिए आप तैयार हो जाइए। बच्चों, आपको क्या लगता है, मंत्री राजा को दंड के डर से अपने सपने वाली बात बताएगा? बच्चों, अब हम यह आगे की कहानी में जानेंगे, तो चलते हैं आगे। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने अपना सपना बताने से मना कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस बात पर चढ़ाई करने की सोची। जब कुछ दिनों बाद पड़ोसी राजा को यह पता चला कि राजा ने अपने मंत्री को ही जेल में डाल दिया, तो फिर उस पड़ोसी राजा ने क्या किया, उस पड़ोसी राजा ने उस राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी और उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली और जो उसके राज्य की सीमा थी उसके छोर पर अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया। आगे देखते हैं। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई को जानने के लिए दो घोड़ियां भेजी। बच्चों, उसने कितनी घोड़ियां भेजी, दो घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। और क्या पूछवाया कि भाई इनमें से आप बताइए कि माँ कौन सी है, बेटी कौन सी है। बच्चों, इस तरह दो समान दिखने वाली घोड़ियां अगर आपके सामने छोड़ दी जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल ना कर सका। समस्या, समस्या यानी उलझन को, यानी सबने बहुत कयास लगाए लेकिन किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। देखिए, राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने के लिए जाता था, यानी राजा का जो नौकर था वो मंत्री को रोजाना भोजन देने के लिए जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई तो मंत्री क्या बोला, यह कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ, जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और पीछे चले वह बेटी है। बच्चों, देखिए, मंत्री कितना अधिक चतुर था, उसने कितने ही सरल शब्दों में जवाब दे दिया कि अगर आप दोनों को नदी में नहलाने लेकर जाओगे तो नदी की गहराई नापने के लिए जो आगे बढ़ेगी वह माँ होगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालती है, इसलिए आगे कौन बढ़ेगा, आगे माँ बढ़ेगी, उसके बाद वह अपनी बेटी को आगे बढ़ने देगी। देखिए आगे। इसके बाद उसी प्रकार के दो तीन प्रश्न राजा ने भेजे, मंत्री ने सबको हल कर दिया।
पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है अपनी सेनाएं हटा ली। पड़ोसी राजा ने सोचा कि भाई यहाँ के तो मंत्री ही इतने अधिक चतुर हैं, अगर मैं यहाँ पर आक्रमण करूँगा तो मैं ही हार जाऊँगा और इनको तो हराना नामुमकिन है। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने अपनी सेनाएं वहाँ से हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, उसने क्या संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे इन सारे के सारे प्रश्नों को हल किया है उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। बच्चों, राजा की बेटी कौन होती है? राजा की बेटी राजकुमारी होती है, यानी कि वह उस मंत्री के साथ अपनी बेटी यानी राजकुमारी का विवाह करना चाहते थे। देखिए, इस प्रकार इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी, यानी सब तरफ उस बंदी मंत्री की बढ़ाई होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया और राजा ने भी उसे तुरंत छोड़ दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। हाँ बच्चों, पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह भी उसके साथ कर दिया। कन्या यानी कि राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दे दी। बच्चों, यानी कि बहुत सारी संपत्ति उस मंत्री राजा के पास इकट्ठी हो गई। देखिए, कुछ दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब बच्चों बहुत दिन हो गए, उसके बाद सुबह सुबह एक दिन उस मंत्री राजा ने क्या किया, जिस सेठ के यहाँ काम करता था उसको, जिस जमींदार के यहाँ काम करता था उसको, तथा जिस राजा के यहाँ वो मंत्री था उसको, तथा जिस राजा ने उसके साथ अपनी बेटी का विवाह किया था, उन सबको मिलने के लिए आमंत्रित किया, बुलाया। बच्चों, क्यों बुलाया होगा, देखते हैं। जब वे सब वहां उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। विशाल यानी कि बड़ा, सुसज्जित यानी अच्छी तरह से सजाए हुए कक्ष में लेटे हुए थे। देखिए, उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ है अलग, अलावा या भिन्न, अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे हुए थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे, यानी कि जिन चारों व्यक्तियों को उन्होंने मिलने बुलाया था वो चारों व्यक्ति भी उनके पास बैठे हुए थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, क्या कहा, यही दृश्य, दृश्य यानी कि जो आपको दिख रहा है, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था। बच्चों देखिए, कितनी अच्छी बात कही राजा ने। राजा ने कही कि मैं जब सपना देख रहा था तब मैंने सपने में यही दृश्य देखा था। क्या दृश्य देखा था, कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ या पलंग पर लेटा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ दो राजा, दो मंत्री, जमींदार और सेठ और बहुत सारे नौकर चाकर हैं और एक सुंदर रानी मेरे पास है। यह वो दृश्य था जो कि मैंने सपने में देखा था। अहो, मेरा ऐसा भाग्य है, मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देते। देखो मंत्री राजा ने क्या कहा, कि अगर मैं आपको वह बात तभी बता देता तो आप में से कोई भी व्यक्ति यह जो मेरा सपना था उसको पूरा नहीं होने देते। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत की घाट भी उतरवा देते। ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी कि जलन, वशीभूत यानी वश में किया हुआ। बच्चों, ये जो ईर्ष्या, लोभ और अपमान है, ये तीनों अवगुण हैं, ये मनुष्य को गलत रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं। तो उस मंत्री राजा ने क्या कहा, आपके अंदर जो ईर्ष्या होती, लोभ होता, अपमान होता, उससे आप मुझे मौत के घाट उतरवा देते।
सच है अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा ना करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म कठोरता लगन निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। बच्चों योजनाबद्ध, योजनाबद्ध का अर्थ होता है योजना अनुसार, निष्ठा का अर्थ होता है आस्था या श्रद्धा, कर्म का अर्थ होता है कार्य या काम। मंत्री राजा ने क्या कहा? मंत्री राजा ने कहा यह सच है कि अगर हमारे दिमाग में कोई भी विचार आता है, हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, तो हमें उस सोची हुई चीज़ को पूरा करने के लिए पूरे लगन और उत्साह के साथ उसमें जुट जाना चाहिए। कर्म कठोरता लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बच्चों आप बताइए, अगर क्या वह अपना सपना पहले ही बता देता तो क्या कोई इसे पूरा होने देता? नहीं बच्चों, कोई भी इसे पूरा नहीं होने देता, क्योंकि इन सब लोगों को अपने अंदर अपमान की अनुभूति होती। बच्चों हम अपने मन में कोई भी लक्ष्य को धारण कर लें, अपना कोई भी लक्ष्य बना लें और उस लक्ष्य के प्रति पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुड़ जाएँ, तो हम उस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो बालक था उसने किया, इस बालक के सामने कितनी भी बुरी परिस्थितियां आईं, कितनी भी बार उसे नौकरी से निकाला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपना अध्ययन यानी कि पढ़ाई करना चालू रखा। बच्चों आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय का पाठ 7 बालक का स्वप्न पढ़ा। आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।